ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति भवन में रखे गए समारोह में राष्ट्रपति हर जांजगीर चांपा जिला के भंवरमाल गांव के रामलाल बरेठला कथक नृत्य के क्षेत्र में उखर योगदान पर पद्मश्री पुरस्कार लेकर इन सम्मानित। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 13 महीले 7 जून तक गर्मी के छुट्टी करे गए घोषित। ये दौरान हाईकोर्ट के जजमल्ला सुनवाई और केस दाखिल करे के जारी करे गए निर्देश। और प्रदेश में काली कुछ एक जगह में छुटपुट वर्षा संग हवा गरेर और गाज गिरे के संभावना जताई गई है। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा राष्ट्रपति भवन में रखे गए समारोह में जांजगीर चांपा जिला के भंवरमाल गांव के रामलाल बरेठले कथक नृत्य के क्षेत्र में उखर योगदान पर पद्मश्री पुरस्कार ले सम्मानित करी। पंडित रामलाल बरेठ के जन्म 6 मार्च 1936 के हुई। श्री बरेठ नृत्य के संगे संग तबला वादन और गायन में घलो पारंगत हवे। अपन कला के प्रदर्शन देश में कतकुन जगह में करे हैं। श्री रामलाल 77 बच्चर ले कला साधना करत हैं। खबर के मुताबिक रामलाल बरेठ और उनखर पिता कार्तिक राम बरेठ रायगढ़ राजघराना ले जुड़े रही के कथक सिखावत रही। रायगढ़ के चक्रधर संगीत विद्यालय ले घलो नाता है। एकर पहली कतकुन पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 13 मई ले 7 जून तक गर्मी के छुट्टी घोषित करे गए है। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विनोद कुजूर आदेश जारी करे है। उच्च न्यायालय 10 जून के फेर से खुली। छुट्टी के दौरान हाईकोर्ट के जजमल्ला सुनवाई और केस दाखिल करे के निर्देश जारी करे गए है। ये बेरामा सबो सिविल आपराधिक और रिट मामला दायर करे जाही। अवकाशकालीन न्यायाधीश बिहिनिया 10:30 बजे ले डिवीजन बेंच कोर्ट के सुनवाई करी। उन्हें गर्मी के छुट्टी के दौरान शनिचर इतवार और छुट्टी ल छोड़ के रजिस्ट्री पर हर एक दिन बिहिनिया 10 बजे ले 5 बजे तक खुले रही। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा उच्च न्यायालय भवन में आर्काइव और म्यूजियम कक्ष के काली उद्घाटन करी। ये मौका में जम्मू न्यायमूर्ति गण मौजूद रही। आर्काइव कक्ष में बच्छर 1879 के दस्तावेज सेंट्रल प्रोविजंस और बरार के नक्शा सेंट्रल प्रोविजंस में नागपुर उच्च न्यायालय ले जुड़े दस्तावेज और भवन के सुंदर फोटो संविधान समिति के सदस्य मन के फोटो और अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय रविशंकर शुक्ल के फोटो घलो हवे। उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के भवन के फोटो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के स्थापना ले जुड़े राजपत्र के फोटो के संगे संग बहुत अकन ऐतिहासिक फोटो लगाए गए है। एकर लिए लोगन ला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था के संबंध में बने जानकारी मिली। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत और न्यायमूर्ति राधा किशन अग्रवाल शपथ देवई। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे स्थायी जज के रूप में न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत और न्यायमूर्ति राधा किशन अग्रवाल एडिशनल जज के रूप में शपथ ली। ये बेरा में सबो माननीय न्यायमूर्तिगण मौजूद रही। खबर के मुताबिक विधि और विधायी कार्य विभाग नई दिल्ली कोती ले 9 मई के ये संबंध में अधिसूचना जारी करेगी रहीस। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर कोती ले ऐसो होवैया राष्ट्रीय लोक अदालत के तारीख में फेरबदल करेगी है। एकर मुताबिक 11 मई के होवैया राष्ट्रीय लोक अदालत अब 13 जुलाई के होही। इसमें 14 सितंबर के होवैया नेशनल लोक अदालत के आयोजन 21 सितंबर के करे जाही। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय बघेल आज रायपुर में पत्रकार वार्ता में बोलत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाव बदले ऊपर दे गए बयान के आलोचना करी है। ओमन कहीं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल पीएम श्री योजना मलाय की योजना है। एकर लिए स्कूल के गुणवत्ता में सुधार होगी। केंद्रीय खनिज सचिव वी एल कांता राव नवा रायपुर में राजस्व पर्यावरण और खनिज विभाग के सचिव अधिकारी मन के बैठक लेके छत्तीसगढ़ में खनन के काम ला बने ढंग ले चलाए खातिर गोट बात करी। बैठक में केंद्रीय सचिव श्री राव हकीन कि खुदाई वाले क्षेत्र में ग्रीन माइनिंग के नवा तकनीक बौरे जाना चाहिए। अमन खनिज संसाधन के जीडीपी में अभी मां 2% के भागीदारी ला बढ़ाए में बनी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगू बढ़बो बाचे समाचार को थी। राज्य में होवैया रद्दा दुर्घटना ला रोके के उपाय के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक नेहा चंपावत के अगुवाई में वर्चुअल समीक्षा बैठक राखेगी। एमा रद्दा दुर्घटना होए के कारण और उमा जरूरी सुधार में गोट बात करेगी।
संगे संग केंद्र सरकार के 3 नवा कानून के संबंध में जानकारी देगी। एक संगे संग हिट एंड रन मामला में तुरते सुलझाए के निर्देश देगी। ये बैठक में AIG ट्रैफिक समेत यातायात के सभो अधिकारी संग्रीन। बीजापुर जिला के पीड़िया के जंगल में काली हुए मुठभेड़ में मारे गए 12 जिन माओवादी में 10 जिन की पहचान कर ली गई है। ये माओवादी बस्तर, दरभा, मलांगीर और गंगलूर क्षेत्र में कमांडर के रूप में सक्रिय रही। खबर के मुताबिक सूचना मिलते सुरक्षा बल गश्त में निकली। सुरक्षा बल और माओवादी मन के बीच मुठभेड़ 12 घंटा तक चली। ये मुठभेड़ में 12 जिन माओवादी के शव बरामद करेगी। उन्हें 3 जिन माओवादी और गांव के एक मन के घायल अवस्था में मिले हैं, जो उनका इलाज खातिर जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई है। सुरक्षा बल मौका ले 12 बोर के बंदूक, BGL लॉन्चर, राइफल, बड़ मात्रा में विस्फोटक के संग दवाई, माओवादी वर्दी और साहित्य बरामद करे हैं। स्टेट GST के टीम है रायपुर के 3 कारोबारी की यहां छापा मार के करोड़ों रुपया के GST चोरी पकड़े है। अधिकारी मन है ड्रीम डेकोरेटर्स, फ्लावर स्टोरी और टेंट फैक्ट्री के नाव ले चलत प्रतिष्ठान के जांच करेगी। ये दुकान मन में अपन गलती मानत करीबन 4.5 करोड़ रुपया GST मौकच में जमा करी। खातिर ले टेंट, पर्दा और सजावटी जिनिस के जरूरत ले ज्यादा स्टॉक मिले है, जेमा अधिकारी को तिले टैक्स और ब्याज लगाए गए है। राज्य सरकार है सबो सरकारी विभाग में सोझे भर्ती के खाली पदला भरे बर वित्त विभाग के मंजूरी जरूरी कर दी है। इमा लोक सेवा आयोग ले होवैया सीधी भर्ती के खाली पद के संग अनुकंपा नियुक्ति के पद में छूट दे गये है। उन्हें चालू वित्तीय बच्चर ले लोक सेवा आयोग को तिले हर एक बच्चर होवैया संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा में शामिल पदला छोड़ के विभाग मन में राज्य लोक सेवा आयोग को तिले भरैया आने पद में भर्ती शुरू करे के पहली वित्त विभाग के मंजूरी जरूरी कर दे गये है। रेलवे कोती ले पुणे और बालेश्वर के बीच एक फेरा बर समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाही। ये ट्रेन 18 मई के पुणे ले बालेश्वर बर रवाना होही। उन्हें 20 मई के बालेश्वर ले पुणे लहूठी। ये गाड़ी में 22 कोच रही। उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और बालेश्वर के बीच घलो एक फेरा बर समर स्पेशल ट्रेन के सुविधा दे जावा थे। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहर ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संजा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एक संग्रहारी लेकर ही। ये बखत के अंक मा बलौदा बाजार जिला के कामकाज के संबंध मा जानकारी दे जाही। सुनैया मल्ला बता दन की काली इतवार के हल्बी और गोंडी बोली मा समाचार बुलेटिन प्रसारित करे जाही। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर ले प्रसारित होही। जिला बस्तर संभाग में सुने जा सकी। हल्बी मा समाचार बुलेटिन बिहनिया 7:30 और गोंडी मा समाचार बुलेटिन संजा 6:30 ले प्रसारित करे जाही। और अब जानन मौसम के हाल। प्रदेश मा काली कुछ एक जगह मा छुटपुट वर्षा संग हवा गरेर और गाज गिरे के संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के मुताबिक एक द्रोणिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले दक्षिणी असम तक हवे। उन्हें एक द्रोणिका मराठवाड़ा ले कुमुरान तक बनी है, जेखर प्रभाव ले काली प्रदेश के कुछ एक जगह मा छुटपुट वर्षा हो सका थे। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फिर। राष्ट्रपति भवन में राखे गए समारोह में राष्ट्रपति है जांजगीर चांपा जिला के भंवरमाल गांव के रामलाल बरेठला कथक नृत्य के क्षेत्र में उखर योगदान पर पद्मश्री पुरस्कार लेकर सम्मानित। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 13 मई ले 7 जून तक गर्मी के छुट्टी करे गए है घोषित। ये दौरान हाईकोर्ट के जजमल्ला सुनवाई और केस दाखिल करे के जारी करे गए है निर्देश। और प्रदेश में काली कुछ एक जगह में छुटपुट वर्षा संग हवा गरेर और गाज गिरे के संभावना जताई गई है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।